वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा दर्शन में आज असि आप जी ने दर्शन कराने जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री अचल साहिब बटावा। गुरुद्वारा अचल साहिब जो कि श्री गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया सी। यह गुरुद्वारा साहिब हिंदुओं के मंदिर अचलेश्वर धाम के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि का एक बहुत बड़ा और विशाल मेला लगता है। श्री गुरु नानक देव जी अचल बटाले इस थान पर फग्गन संमत 1586 मार्च 1530 शिवरात्रि के मेले से जोगिया के नाम सिद्ध गोष्ठ की। इस मेले का हवाला भाई साहिब भाई गुरदास जी अपनिया वारा विचों वार पहली पौड़ी 39 विच देंदे हन। जोगियां दे आगू भंगरनाथ नाल जो वार्तालाप होई उसका हवाला भाई गुरदास जी ने अपनिया वारा विच दिता है। जोगी भंगरनाथ ने गुरु जी ने पूछया, भेग उतार उदास दा वर्त कित संसारी रीत चलाई। ता श्री गुरु नानक देव जी ने आख्या, होए अतीत ग्रस्त ताज फिर उन्हों के घर मंगन जाई। बाबा जी का जवाब सुन के जोगी भंगरनाथ दी निशा हुई अते गुरु चरणा दे सीस निवाया। इस तरह बाबा जी ने अमृत बचना नाल जोगियां दे तपदे हिरदियां ते शांति वरताई अते भुले भटके लोकां नू राहे पा के एक परमात्मा नाल जोड़िया। उस वेले श्री गुरु नानक देव जी ने खुशी विच आ के इत्थे एक दातन ला दित्ती। संगतां ने आख्या कि गुरु जी यह कंडियां वाला दरख्त लग गया है। ता गुरु जी ने कहा, तुहानू केड़ा चाहिदा है? ता संगतां ने कहा, कोई फल वाला दरख्त चाहिदा है। ता गुरु साहिब जी ने कहा, जो अकाल पुरख दा पाणा सी ओ हो गया, हुण यह किक्कर तो इस दा बेरी साहिब बनेगा। इस बेरी साहिब नूं 12 महीने फल लग्या करेगा। इस तो बाद छेवीं पातशाही मीरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी विसाख 1624 ईस्वी बटाले विखे अपने सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी नूं विहोण वास्ते आए। तां विसाख 1624 इस संबंध विच उन्होंने 8 पूजी खूही बनवाई। यह खूही हुण श्री दरबार साहिब जी के मेन गेट के सामने स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी के दे मेले से आउण तो बाद अज भी उन्होंने याद में मस्या कत्तक तो 9-10 दिन बाद 9वीं-10वीं का भारी जोड़ मेला लगता है, जिस विच दूर दुराडे तो काफ़ी संगतां दर्शन करने लई आउंदियां हन। उम्मीद करते हैं जी आप जी नूं साडा इह उपराला जरूर पसंद आएगा। वधेरे वीडियो वेखण लई कृपा करके साडे इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।